एड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम किसी खेत में नहीं खड़े जहां पर ट्रैक्टर चल रहे हैं और खेतों की जुताई हो रही है। हम इस वक्त सढ़ौरा के खेल स्टेडियम में हैं और यहां पर जो है कंप्यूटर करा का इस्तेमाल करते हुए इस स्टेडियम की जो है कायाकल्प सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा अच्छा ग्राउंड का ये लेवल बने इस नाते से अब नगर पालिका टीम के द्वारा चेयरपर्सन के मार्गदर्शन में यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। उबड़ खाबड़ ये ज़मीन थी, काफ़ी घास लगा हुआ था, पत्थर आदि भी यहाँ पर गड़े हुए मिले, तो सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर के माध्यम से ये खुदाई की जा रही है। इसकी ट्रिलर लगा हुआ है और ये ट्रैक्टर के माध्यम से इसको खोदा जा रहा है ताकि फिर एक लेवल अच्छा सा बन सके। और जो दूसरा ट्रैक्टर उधर आप देख सकते हैं कंप्यूटर करा जिस पर लगा हुआ है उससे इसका लेवल किया जा रहा है। एक अच्छा खासा समतल मैदान यहाँ पर बनेगा, चारों तरफ पगडंडी जो है उसको बेहतरीन ढंग से बनाया जाएगा और एक खेल नर्सरी की शुरुआत उसका भी प्रोजेक्ट शालिनी शर्मा नगर पालिका चेयरपर्सन द्वारा खेल विभाग को भेजा गया है। खेल नर्सरी आरंभ होने से बहुत बढ़िया होगा। सुबह से हम इस खेल नर्सरी में खिलाड़ी जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खेलों का अभ्यास कर सकेंगे। कोच वगैरह यहाँ पर आएंगे और उनके माध्यम से यह अभ्यास संभव होगा। तो आप देख सकते हैं लगातार इस ग्राउंड का सुबह सवेरे से ही कार्य आरंभ हो चुका था, वरना तो ये खेल स्टेडियम नशेड़ियों का अड्डा, जुआरियों का अड्डा बन चुका था और आपराधिक गतिविधियाँ भी यहाँ से चल रही थी और नशे का कारोबार तो यहाँ से होता था। काफ़ी प्रयास विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए थे, उज्ज्वल भविष्य टीम के द्वारा, निरंकारी मिशन के द्वारा यहाँ पर अभ्यास जो काफ़ी प्रयास किए गए थे यहाँ पर, और उनके माध्यम से यहाँ पर जो भांग आदि के पौधे लगे हुए थे सबको उखाड़ा गया था, साफ सफाई की थी, लेकिन आखिरकार नगर पालिका ने भी इसकी सुध ली और ये कार्य यहाँ पर किया गया था। अभी पुलिस का भी एक दौरा यहाँ पर कराया गया और पुलिस से भी प्रार्थना की गई चेयरपर्सन के माध्यम से कि यहाँ पर समय समय पर वो गश्त यहाँ पर लगाई जाए ताकि यहाँ पर नशेड़ी जो शाम को आ जाते हैं, नशा आदि करते हैं या अन्य आपराधिक गतिविधियाँ यहाँ पर की जाती हैं, चोरी आदि भी यहाँ पर की गई थी, लाइट्स वगैरह लगाई गई तो उनकी तारें भी तोड़ी गई थी। आप देख सकते हैं लाइट्स के 5 पोल जो है ला चुके हैं, तेज लाइट्स वगैरह, हाई वोल्टेज लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि रात्रि के समय भी यहाँ पर प्रकाश हो सके। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से इसका लेवलिंग का कार्य किया जा रहा है। सुबह से ही ये कार्य चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये ग्राउंड एक बहुत अच्छा ग्राउंड का रूप धारण कर लेंगे। कंप्यूटर करा बोलते हैं, कार्य चल रहा है, लेवल भी साथ साथ कर रहा है इसका। इस खेल स्टेडियम से नशेड़ी एवं जुआ आदि खेलने वाले लोग दूरी बनाए रखें, इस हेतु से पुलिस विभाग को भी सूचित किया गया। सूचना पाकर वे भी, उनके कर्मचारी यहां पर पहुंचे और ये आश्वासन दिया कि समय समय पर खेल स्टेडियम में गश्त लगाई जाएगी ताकि गलत प्रवृत्ति के लोग, नशा आदि करने वाले लोग जो यहाँ ना बैठ सकें। वरना तो अभी तक तो इस खेल स्टेडियम का लाभ जो है नशेड़ी की आदि लोग जुआ आदि खेलने के लिए यहाँ पर लोग करते रहे हैं। इस खेल स्टेडियम में जो ये ट्रैक बना हुआ था ये भी खिलाड़ियों की मेहनत से ही बनाया हुआ है। नैब सिंह कोच एवं अन्य दूसरे कोच भी जो यहाँ पर एकेडमी वगैरह चलाते हैं उनके द्वारा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके ये ट्रैक तैयार किया गया था। अब इसको भी सुधारा किया जाएगा। ये आसपास देख सकते हैं घास वगैरह सबको सिस्टम से उखाड़ा जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका निर्माण खेल विभाग अपने हिसाब से यहाँ पर ही अब यहाँ पर ट्रैक बनवाएगा और विभिन्न खेलों के ग्राउंड भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, चाहे वो ऊंची कूद, लंबी कूद आदि के अलग अलग से ग्राउंड होते हैं। और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर है कि इस खेल स्टेडियम का सुधार किया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बरसात के दिन हो या तेज़ पानी आ जाए तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए जो व्यवस्था है रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी पानी, वर्षा का पानी संचयन करना, तो यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम लगाया जाएगा वर्षा के पानी के संचयन करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए, ताकि ये पानी जो है धरती में चला जाए, क्योंकि यहाँ से पानी की निकासी नहीं है,
इस कारण से ये पानी सारा यहाँ रहेगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी, पानी पानी हो जाएगा कई दिनों तक, फिर ये पानी रहेगा बरसात के दिनों में, ये तालाब बढ़ जाएगा, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और फुटबॉल, वॉलीबॉल, अन्य ग्राउंड्स वगैरह भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। तो इसमें चेयरपर्सन श्रीमती शालिनी शर्मा लगातार अभ्यास प्रयासरत हैं, थी वो शुरू से ही, और लगातार खिलाड़ियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा उनको कहा गया था कि भाई ये काम किया जाए, तो वो भी लगातार यहाँ पर खेल प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें आती थी और अपनी तरफ से आश्वासन देते थे। तो आज वो सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी देखरेख में ये कार्रवाई चल रही है। इस खेल स्टेडियम से जुड़े कुछ युवा भी खेल अभ्यास करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि खेल स्टेडियम का एक नव निर्माण कार्य चल रहा है। हाँ जैन साहब, हमें मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि खेल स्टेडियम से डोरे का अच्छा बन रहा है, और मतलब आसानी रहेगी खेलने में, लाइक चोट वगैरह लग जाती थी तो अब वो कम होएगी काफी। जी 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 जी, ठीक है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जवान, बोलो आप, बोलो। मुझे बहुत खुशी हो रही है स्टेडियम में। खुशी हो रही है, हाँ जी जवान, अच्छा लग रहा है स्टेडियम नवा, अच्छा बन रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले यहाँ पर नशेड़ी भी रहते, घूमते फिरते थे, भांग के पेड़ भी लगे, तो सब साफ उड़ रहे हैं, इससे अब नशेड़ियों की भी आने की संभावना कम हो जाएगी? बिल्कुल होगी, संभावना भी कम होगी, और साफ सफाई होने से रात को यहाँ घूमने में, दौड़ लगाने में, लाइट्स वगैरह भी लग जाए, सैर करने में आसानी रहेगी जी। और ग्राउंड एक बराबर होने से सबसे बड़ा फायदा होगा, जो हम यहाँ खेलते हैं, प्रयास करते हैं, तो भागते हुए कई बार चोट लग जाती थी जी जी। अभी कल ही मेरे पैर में मोच आई, कल का पैर सोच रहा ऊपर का, तो इसकी वजह से इसमें बहुत सहूलियत मिलेगी हमें। और ये चेयरमैन साहब का धन्यवाद, इनकी कृपा से काम हो रहा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। बातचीत करते हैं नगर पालिका चेयरपर्सन, जिसकी देखरेख में आज सुबह से ही वो खड़े हैं यहाँ पर, अपनी देखरेख में कार्य करवा रहे हैं। चेयरपर्सन जी, हमारे चैनल पर फिर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर चल रही है खेल स्टेडियम में जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे हम स्टेडियम में कार्रवाई यही चल रही है कि इसको, ग्राउंड को हम ठीक करा रहे हैं, लेवल करवा रहे हैं जी जी जी, करवा के उसके बाद इसका लेवल में काम करा रहे हैं। और जो भी अधिक से अधिकारी होगा भी हमारे पास, हम वो काम जरूर कराएंगे, जैसे इसमें वाटर कूलर लगाना, बच्चों को पानी के पीने की बहुत दिक्कत है, बहुत बढ़िया। और जो ये यहाँ पे भांग के पेड़ लगे हुए हैं, इनको सारे बिल्कुल एकदम साफ करवा देंगे। लाइटें जो लगी हुई हैं अब यहाँ पे, दो चार दिन में ये भी अब स्टार्ट हो जाएंगी जी चलने, जिससे कि बच्चों में कोई खेलने में कोई दिक्कत ना हो। और जल्द से जल्द हमारा प्रयास यह भी रहेगा कि हम यहाँ पे एक खेल नर्सरी लाएं, जिससे कि हमारे सढ़ोरा के युवा का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में, और वो नशे की आदत से मुक्त हो, क्योंकि हमारे सढ़ोरे में नशा बहुत ज़्यादा हद तक फैला हुआ है, और जिसके कारण कि यहाँ पे चोरी की वारदात भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नशेड़ियों के लिए भी जगह बनी हुई है, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो खिलाड़ियों के लिए जगह, लेकिन इसका इस्तेमाल तो नशेड़ी करते रहे, तो उसके लिए क्या कुछ योजना है? उसके लिए योजना है कि हम इसके जो पीछे वाला दरवाजा है उसको बंद करा के ये दरवाजा आगे फ्रंट में खुलवाएंगे जी 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 जी। और अभी मैंने SHO साहब को फोन भी किया, 112 नंबर वाली गाड़ी भी आई है, उनको भी ये कहा है कि आप यहाँ पे जरूर राउंड लगाएं, दिन में भी लगाएं, शाम को भी लगाएं, और अगर कोई भी नशा करता हुआ पाया जाए उसे बख्शा ना जाए, चाहे वो कोई भी हो, सबके यानी पुलिस की कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। पुलिस गश्त करे, क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन दिया कि हम सुबह और शाम जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम, क्योंकि महिलाएं विशेषकर सुबह सैर सपाटे के लिए यहाँ पर आती हैं। पाँच बजे सुबह 5 बजे काम शुरू किया जी, 5 बजे हम लेडीज वो कर रही थी, अब कर रही थी, जल्दी से जल्दी आप इसकी व्यवस्था कराओ जल्दी। अब छोटे बच्चे भी यहाँ पर आएंगे तो उसके उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? छोटे बच्चे जैसे उसके लिए जैसे झूले की व्यवस्था होगी जी, स्लाइड वगैरह, जो भी छोटे बच्चों के झूले हैं वो जरूर से जरूर, छोटा ग्राउंड है जैसे यहाँ पे क्रिकेट के लिए या बैडमिंटन के लिए, बच्चों के लिए बास्केटबॉल का ग्राउंड, ये सब जल्द से जल्द बनाने की हम पूरी कोशिश है मेरी कि हम ये प्रस्ताव जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आए। इसकी फाइल हमारी गई हुई है यमुनानगर में खेल नर्सरी की, ये सर इसके पूरे खेल नर्सरी की भी, और ये जो पूरा हमारा प्रोजेक्ट है जी जी जी, स्टेडियम की फाइल, जिसमें हमारे काफी अच्छा प्ले ग्राउंड यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि पूरे इधर एरिया में इतना बड़ा ग्राउंड कहीं पे नहीं है जो हमारे सढ़ोरा में है, और ये हमारी आन बान शान है हमारे सढ़ोरा की, और हम इसे बनाएंगे भी, जैसे हमारे पास पूरी कोशिश है इसको हम बहुत सुधार कर सकते जी। सुधार होगा तो खिलाड़ी भी निकलेंगे, इलाके का नाम भी रोशन होगा, तो बिल्कुल खिलाड़ी नशे, जो युवा है वो नशे से भी दूर जाएगा और अपने शरीर की तरफ ध्यान देगा। तो वास्तव में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट नगर पालिका चेयरपर्सन की अध्यक्षता में सभी पार्षद, विशेषकर हमारे गोपाल जी इसी क्षेत्र के वार्ड से वो पार्षद हैं, लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि लगातार
यहाँ पर एक अच्छा प्रयास करके इसको खेल स्टेडियम की तरफ सुधार करवाया जा रहा है। तो हमारा भी इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ, खेल की भावना से आएँ, खेलें, दौड़ें, दौड़ लगाएँ, इसका सदुपयोग करें, यहाँ का दुरुपयोग ना करें। और ऐसे लोग जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो नशा आदि करते हैं और यहाँ पर आकर नशा करते हैं, तो उनको चेतावनी दी जा रही है कि वहाँ यहाँ पर आकर वो किसी प्रकार का नशा ना करें, क्योंकि अब वो एक प्रकार से पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं, उनके पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस स्थान को अब सदा सदा के लिए वो त्याग कर दें। और तो और सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगवाए जाएंगे, जिससे पूरी गतिविधियाँ यहाँ पर नगर पालिका के दफ्तर में बैठे यहाँ से कंट्रोल होंगी। तो किसी प्रकार कोई नशे का अगर कोई युवा यहाँ पर पकड़ा गया तो उसको जो है किसी प्रकार की जमानत भी उसकी नहीं होगी। तो वो सावधान हो जाएं और इसको स्टेडियम को अपना खेल स्टेडियम समझकर इसका पूरा विकास कराएं। तो ये थी खेल स्टेडियम सिढौरा से, जिसका अब अच्छे ढंग से दोबारे से नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। एक स्टेट न्यूज़ 7 की प्रस्तुति। धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।